हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, फिर से आपके लिए एक बहुत आसान सा निटिंग पैटर्न मैं लेकर आई हूँ। और इसके लिए आपको जो मल्टीपल है वो फंदों के चार के मल्टीपल प्लस वन फंदे आपको इसमें डालने होंगे। तो देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहली लाइन है सीधी साइड में। तो देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फंदा हम सीधा बनाएंगे स्टार्टिंग में और एक फंदा हम ऐसे उतारेंगे, फिर तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, और एक फंदा ऐसे उतारेंगे, फिर तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, और एक फंदा उतारेंगे, फिर तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, और एक फंदा उतारेंगे, फिर एक दो तीन फंदे सीधे और एक फंदा उतारेंगे, फिर तीन फंदे सीधे, एक फंदा उतारेंगे। ये देखिए, लास्ट का फंदा सीधा। अब उल्टी साइड की रो देखिए, वही करना है। तीन फंद जो हमने बुने हैं फंदे, उनको बुनना है और जो उतारा है उसको हम उतारेंगे जी। फर्स्ट फंदा बुनेंगे और सेकंड उतारा है उसको उतारेंगे, फिर बाकी फंदे बुनेंगे तीन और ये उतारेंगे, फिर तीन फंदे बुनेंगे, एक दो तीन और ये उतारेंगे, फिर एक दो तीन और ये उतारेंगे, फिर एक दो तीन बुनेंगे और एक उतारेंगे, फिर तीन बनाएंगे, एक उतारेंगे, लास्ट का फंदा बना देंगे। इसके लिए चार के मल्टीपल प्लस वन और प्लस टू फंदे आप एजेस के लिए रख सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये फंदा हमने शुरू में बनाया था, इसको हम पहला फंदा बनाएंगे, एज का फंदा है, और जो फंदा हमने स्लिप किया था उसको हमने सीधा बनाना है और उसके बगल का फंदा हमने उल्टा बनाना है, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर जो हमने स्लिप किया है उसको सीधा, और जो हम एक फंदा उल्टा, फिर एक सीधा एक उल्टा, फिर जो स्लिप किया है वो सीधा आ जाएगा। इस तरीके से जब आप एक सीधा एक उल्टा बनाएंगे तो अपने आप ही वो क्रम चलता रहेगा। ये देखिए, एक सीधा फिर एक उल्टा, फिर जो एक सीधा और एक उल्टा, फिर एक सीधा एक उल्टा, इस तरीके से आपकी पूरी रो बनती हुई जाएगी, एक सीधा और एक उल्टा, लास्ट में एक सीधा और लास्ट का भी सीधा, क्योंकि हमने एच का फंदा रखा है। उल्टी साइड चौथी लाइन है, उल्टी साइड में पूरी लाइन को हम उल्टा बुनेंगे। चौथी लाइन हो गई, चार लाइंस हो गई इसकी, और ऐसी चार लाइंस इसकी और हैं। अब देखिए क्या करेंगे, पहला फंदा उतारेंगे और दो फंदे हम सीधे बनाएंगे, पहला फंदा उतार के दो फंदे सीधे, एक और ये दो। अब यहाँ से शुरू करेंगे, ये फंदा उतारेंगे और आप तीन फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो तीन, फिर ये उतारेंगे, फिर तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, फिर एक फंदा उतारेंगे, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, फिर एक उतारेंगे, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, फिर एक उतारेंगे और तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, लास्ट में इस तरीके से। फिर आप देखिए उल्टी साइड में फिर से वही करना है, जो उतारा है उसको उतारेंगे और जो बनाया है उसको बनाएंगे। ये देखिए, एक उतार के दो उल्टे और एक ऐसे उतार देंगे, फिर तीन उल्टे, एक दो तीन और ये उतार देंगे, फिर तीन उल्टे, एक दो तीन ये उतार देंगे, तीन उल्टे और एक उतारना है, बीच में तीन उल्टे हैं और साइड साइड में दो है। ये देखिए, लास्ट का फंदा भी उल्टा। अब पांचवी रो सीधी साइड में, एक फंदा उतार के और एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर ये फंदा उल्टा आएगा,
एक फंदा उल्टा और फिर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा। इस तरीके से अब ये पांचवी रो आएगी, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा, एक उल्टा एक सीधा। इस तरीके से बनाएंगे तो जो आपने फंदा स्लिप किया है वो अपने आप ही आपका सीधा बन जाएगा। ये देखें, फिर एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा। अगर आपने कोई थिक स्वेटर बनाना हो तो आप उस पर डाल सकते हैं, लास्ट में आपके दो फंदे सीधे आ जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से ये बनेगा। अब उल्टी लाइन को पूरा हम उल्टा बनाएंगे और ये डिज़ाइन बनता हुआ जाएगा। तो फिर बनाइए उल्टी लाइन, आठवीं रो होगी, फिर से हम एक से आठ तक इसको रिपीट करते हुए जाएंगे। तो फिर बनाइए, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।